Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN न्यूज और आपका स्वागत है गुजरात के दंगल में। मोदी और राहुल, प्रधानमंत्री और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों गुजरात की सत्ता में छाए हुए हैं। मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी, जो दूसरी तरफ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक रैलियां शुरू हो रही हैं, लेकिन जहां वोट साधने की कोशिश की जाती है वहां फट से पहुंच जाते हैं, क्योंकि नेता विपक्ष और पक्ष ये दोनों चाहते हैं कि गुजरात की सत्ता किस तरीके से हासिल की जाए। और गुजरात की सत्ता हासिल करना कोई एक खेल नहीं है। कहते हैं कि अगर आपको किसी को कुछ पाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए जी जान से जुटना पड़ता है। और जी जान से जुटने वाले कहते हैं कि जिस तरीके से गुजरात का एक माहौल देखा जा रहा है, गुजरात के माहौल में जहां विकास से अटके थे और धर्म पर चले गए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मंदिरों की राजनीति हो रही है। अब ये एक खबर बहुत बड़ी आ रही है कि स्वामी नारायण मंदिर है, उस अगर उसमें देखा जाए कि उसके जो पुजारी हैं उनका एक वीडियो सामने आया, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे सल्तनत के राजा हैं हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान को एक बहुत ही आगामी दिनों में या फिर आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की एक अच्छी नज़रिए को बदल सकते हैं और विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। स्वामी नारायण के एक पुजारी ने खुलेआम कहा है कि गुजरात के आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाए, यानी कि बीजेपी को वोट देना है। और इससे ये भी जोड़ा जाता है कि स्वामी नारायण संप्रदाय से पाटीदारों का बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर पाटीदारों का लगाव इससे ज़्यादा है, अगर संप्रदाय, क्योंकि स्वामी नारायण संप्रदाय को पाटीदार बहुत ज़्यादा मानते हैं, अगर पाटीदारों का इस तरफ झुकाव है, अगर वहाँ से स्वामी ने अगर पाटीदारों से या जनता उनके वहाँ आने वाले जनता से कहा है कि नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए, तो ये कांग्रेस के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जो इतने महीनों से मेहनत की है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, ये खबर आ रही है जिसमें गुजरात के मशहूर मंदिर से बीजेपी को वोट देने की अपील की जा रही है। गुजरात के खेड़ा जिले में बड़ताल का स्वामी मंदिर इन दिनों एक वायरल वीडियो की वजह से चर्चा में आ गया है। इस मंदिर में हर दिन कई लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। चुनावी माहौल में राहुल गांधी भी इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद सियासी पार्टियों के हिसाब किताब लगाने में जुटी है कि इस इलाके के कितने लोग इस मंदिर में जुड़े हैं। इस मंदिर में मुख्य पुजारी के अपील की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इस मंदिर को लेकर इन दिनों सबसे ज़्यादा टेंशन में है कांग्रेस। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की पुजारी का ऐलान। गुजरात में पाटीदार समाज की स्वामी नारायण संप्रदाय में गहरी आस्था है और वड़ताल मंदिर में निकली बात का समाज पर काफ़ी असर होता है। और वायरल वीडियो में मुख्य पुजारी मोदी जी को जिताने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सिर्फ वोट की अपील ही नहीं की गई है, पुजारी ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ईमानदार राजा तक कह दिया है। ये वीडियो इन दिनों गुजरात के लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मिल रहा है, फेसबुक पर वायरल हो रहा है और पूरे गुजरात में इस वीडियो को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पुजारी ने वीडियो में क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि मैं खुद के लिए कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करता, लेकिन साल 365 दिन रोज दो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो है महाराज जी और नरेंद्र मोदी। मेरी प्रार्थना है कि भगवान महाराज जी को विजयी बनाए, नरेंद्र मोदी को विजयी बनाए। ये लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पास लोगों से प्यार करने वाला, विजन के साथ काम करने वाला, बिल्कुल साफ छवि का राजा है, वह है नरेंद्र मोदी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि स्वामी संप्रदाय के जो गुरु हैं उन्होंने अपने वीडियो के जरिए इस तरीके की बात को रखा है, वो भी गुजरात की जनता के बीच, कि कहें
जो नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक पाक साफ बताया है, हिंदुस्तान की राजनीति में एक पाक साफ नेता बनाया है बताया है, और उन्होंने पूरा समाज से ये बोला है, पूरे गुजराती समाज से बोला है, गुजरात में रहने वालों से बोला है कि नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया जाए। और ये वीडियो हर गुजराती के व्हाट्सएप पे मौजूद है और ये बहुत तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, क्योंकि वायरल होना भी बीजेपी इस वीडियो को वायरल करना भी चाहेगी, क्योंकि स्वामी संप्रदाय के सबसे अधिक पाटीदार हैं और पाटीदारों को ही लेकर के ही सबसे ज़्यादा तो खेल चल रहा है, क्योंकि पाटीदार जितनी भी हो सकेंगे वो बीजेपी में आ जाएं तो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन सकता है ये वीडियो, बिल्कुल, क्योंकि ये वीडियो ऐसा वीडियो है जो स्वामी संप्रदाय में जो गुजरात की जनता जिसे मानती है स्वामीनारायण संप्रदाय को, वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव बीजेपी की तरफ होगा, क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय की पुजारी ने साफ तौर पर कहा है कि मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहें और उनकी ही जीत हो, और उनसे अच्छा कोई ऐसा मुझे मिलता नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने भले ही मंदिर की राजनीति की हो, जिस तरीके से उन्होंने कभी मंदिर नहीं गए और मंदिरों को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से तंज कसते हुए नज़र आते रहते थे कि मंदिर जाने वाला लड़की छेड़ते हैं, लेकिन अब वही मंदिर जा कर के वोट की राजनीति साधते हुए देखे गए। लेकिन मंदिर में जाना उनका कितना कारगर साबित होगा ये तो नहीं लगता है, क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय के जो पुजारी हैं वो फेवर में आ गए हैं बीजेपी के। अब बीजेपी के फेवर में आने के बाद तो यही माना जा रहा है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की जो आला कमान है या फिर कांग्रेस पार्टी है उसकी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आशा लगाए बैठे हुए थे कांग्रेस की जो मंदिर से, जो मुझे एक स्वामीनारायण संत जो मैंने बात की अभी चर्चा की, उस मंदिर में भी राहुल गांधी गए हैं और उन्होंने वहाँ पुजारी से आशीर्वाद लिया है, मंदिर में मत्था टेका है और वहाँ से उनको आशीर्वाद मिला था, लेकिन वोट देने का आशीर्वाद शायद नहीं मिल पाया। यही वजह है कि हो सकता है कि राहुल गांधी की खटिया खड़ी हो जाए गुजरात के चुनाव में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल। लेकिन हम इस वीडियो से अंदाज़ा ये भी नहीं लगा सकते कि कांग्रेस को बीजेपी मात दे ही देगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे स्वामीनारायण संप्रदाय के गुरु का है जिसने पूरा समर्थन बीजेपी को दिया है, और बीजेपी का समर्थन ही नहीं, कई जो मंदिर हैं उनके जो स्वामी हैं, जो उनके संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन दिया है, और जो माने हुए मंदिर हैं उन्होंने सभी ने बीजेपी को समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी का मंदिर जाना रास नहीं आया किसी को, क्योंकि राहुल गांधी अगर शुरू से मंदिर जाते होते तो शायद ये नौबत ना आती और उनको भी कहीं ना कहीं वोट हासिल हो जाते मंदिर के जरिए। लेकिन मंदिर की राजनीति जिस तरीके से की गई है वास्तव में एक बहुत वैसी राजनीति, ओछी राजनीति कह सकते हैं, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं तो उनके पदचिन्हों पर चलकर राहुल गांधी ने भी सीख ली और वो मंदिरों में जाना शुरू किया, लेकिन मंदिरों से शायद राहुल गांधी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन राहुल गांधी को कुछ ऐसी रणनीति अपनानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी को जनता, जो गुजरात की जनता है, उसकी जो उसकी जो मायने हैं, जो उसकी इमोशनल है, उनको आपको लेना पड़ेगा, उनको आपके अंदर रखना पड़ेगा, या फिर यूँ कहें कि उनको खींचना पड़ेगा उनके इमोशनल्स को, तभी आप जाकर कुछ ना कुछ करिश्मा कर सकते हैं। लेकिन कितना करिश्मा राहुल गांधी का काम आएगा गुजरात के चुनाव में ये तो 18 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सक्रिय हैं नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति में, राहुल गांधी या फिर पूरा यूँ कहें कि कांग्रेस की आला कमान, या फिर ये कहें कि अच्छा कांग्रेस के जो आला कमान है वो बहुत कम देखा जा रहा है गुजरात के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक रखी है गुजरात चुनाव के, उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो भी पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो नेता हैं आला कमान हैं वो कहीं ना कहीं पीछे दिखते हुए हैं। सोनिया गांधी भी नज़र नहीं आ रही हैं, हालांकि अभी बहुत बहुत ही कम दिन रह गए और सोनिया गांधी की कयास लगाए जा रहे थे
कि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो चुनाव में सक्रिय नहीं हो पा रही हैं। लेकिन कहा वही फिर बात आ जाती है कि मंदिर की राजनीति। आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये 4 दिसंबर का है जो वायरल हो रहा था, और इसकी एक चैनल ने पड़ताल भी की और बताया जा रहा था कि जब ये वीडियो बनाया गया है, जो ये वीडियो एक सभा का है जहां खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे, उनके समर्थन में स्वामी जो स्वामी हैं उन्होंने ये स्वामीनारायण मंदिर के प्रमुख आचार्य राकेश प्रसाद महाराज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्य कठोरी उन्होंने कहा था कि मुख्य कठोरी महाराज घनश्याम प्रसाद दास का है। बताया जा रहा है स्वामीनारायण के संप्रदाय के जो प्रमुख हैं और घनश्याम दास, उनका ये वीडियो है और उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें बोली गई थी, और इसका पड़ताल एक चैनल ने पूरी पड़ताल की है ये कहाँ का है और कहीं ये, क्योंकि आजकल क्या है वीडियो बहुत नकली बनते जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत आप शायद आप ये यूट्यूब वगैरह पे इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये वीडियो चलाने की अनुमति नहीं है, हम ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम सिर्फ खबर दिखा सकते हैं। आपको मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा जो घनश्याम महाराज हैं जो ये सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यही वो घनश्याम महाराज हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोला है, और इन्हीं ने अपील की है गुजरात की जनता से कि नरेंद्र मोदी को वोट देना और बीजेपी को वोट देना है आप सभी लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये और ये बहुत आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया जा रहा है इस वोट के जरिए, क्योंकि कोई खुलेआम इस तरीके से कोई बीजेपी के पक्ष में क्यों वोट की अपील कर सकता है। लेकिन देखना होगा कि मंदिर की राजनीति नरेंद्र मोदी को रास आती है या फिर राहुल गांधी को, या कहीं ये वीडियो राहुल गांधी के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगा और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। बने रहिए हमारे साथ SPNN न्यूज के साथ, और हम आप अपडेट कराते रहेंगे आपको गुजरात के हर एक मूवमेंट से, हर एक खबर से। तब तक के लिए नमस्कार।